अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूनिवर्स सरकार। मेरा नाम असलम इला सिखा रहा हूँ आपके स्केचअप प्रो, और आज की वीडियो में हम जानेंगे ट्रू बैंड टूल्स के बारे में। बेसिकली दोस्तों ये एक एक्सटेंशन है, आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैसे डाउनलोड करना है, आपका पहले नंबर पर इंटरनेट ऑन होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप विंडो मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और एक्सटेंशन वेयर हाउस के ऊपर क्लिक कर दें। याद रखें कि आपकी आईडी बनी हुई होनी चाहिए और उसके बाद ही आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग, और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। सो व्यूअर, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एक्सटेंशन हैं। कुछ एक्सटेंशन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फ्री मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पैसे देकर आपको ख़रीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, लिखा हुआ है ट्रू बैंड, ठीक है जी। इसे आपने डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे देखें बिल्कुल फ्री है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये यहाँ पे खुल जाएगा, और यहाँ पे आप अपनी आईडी वगैरह देकर आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आईडी आपको स्केचअप की वेबसाइट पे बनानी होगी। सो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेना। मैं नहीं करने वाला, आप कर लें क्योंकि मैंने पहले ही कर रखा है, तो इस बंदे ने ये बनाया हुआ। अगर आप इसे डोनेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या पढ़ लें टर्म एंड कंडीशन जो लिखी हुई है ये सामने, क्या क्या चाहता है ये। सो वेल, ओवरऑल ये फ्री है, यहाँ पे कुछ बता रहा है ये कैसे इस्तेमाल करना है, ये यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ बंद, और बढ़ते हैं जी इस टूल की तरफ। इस टूल की एक्सटेंशन आप यहाँ पर देख लें, एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर क्लिक कर लें, और यहाँ पे अगर डिसेबल है तो यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये उसी बंदे का नाम है थॉमस थॉमसन, ठीक है जी। और इनेबल और डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं, और मज़ीद इस टूल को यहाँ पे वाजिया करना चाहते हैं तो व्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, टूल बार के अंदर आकर क्लिक कर दें, और लास्ट पे ये देखें ट्रू बैंड आपको मिल जाएगा, और इसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लोज़ कर देता हूँ। इसके अलावा आप टूल मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो लास्ट पे भी ये देखें यहाँ पे मिल जाता है ट्रू बैंड। सो ये क्या काम करता है, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट शेप हैं ये, और इन सब को मैं बैंड करके दिखाऊंगा कैसे बैंड होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे। और हर शेप को बनाकर मैंने क्या किया हुआ है, ग्रुप किया हुआ है। सो सबसे पहले ये शेप है जी, इसे मैं ज़रा क्लोज़ कर लेता हूँ इस तरह जूम इसके ऊपर, और इस टूल को इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे डॉट बन चुके हैं रेड कलर के, और आपने इस डॉट को क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप डिग्री दे पाएंगे इस मेजरमेंट के अंदर, कितनी डिग्री पे आप बैंड करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये देखिए शेप उस तरह बैंड हो जाएगी। कंट्रोल जी को प्रेस कर देता हूँ जो देख सकते हैं। फिर से देखें इस टूल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और इसके अलावा इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो सेगमेंट्स, यानी इसके अंदर जितने सेगमेंट बनाएगा ये वो देखना चाहते हैं, और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और अगर इसे मैं अनग्रुप कर दूं यानी एक्सक्लूड कर दूं तो ये देखें इसके अंदर सेगमेंट भी शो कर देता है। वापस सेगमेंट वाली बात को बाद में करेंगे। फिर से मैं यहाँ पर कंट्रोल जी को प्रेस कर देता हूँ, और फिर से देखें इस टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर कुछ इस तरह क्लिक करके ड्रैग करना है तो ये इस तरह से क्या कर देगा, बैंड कर देगा, ठीक है जी। ये मज़ीद अगर आप इसी तरह इसे क्लिक करके ड्रैग करें, और इसी दौरान यहाँ पे मेजरमेंट के अंदर लिखें जितने आप सेगमेंट बनाना चाहते हैं वो लिखना चाहते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये स्मूथ ना हो बल्कि गोल ना हो, इसके अंदर कुछ सेगमेंट बन जाए, तो यहाँ पर मैं लिखता 5 और उसके बाद लिख दूँगा एस, ठीक है जी, और इंटर करूँगा तो ये देखें इसके अंदर अब क्या बन चुका है, सेगमेंट। उसके बाद इंटर करूँगा तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगी शेप, ये सेगमेंट बन चुके हैं। और कंट्रोल जी को प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा से देखें ये, और ये आ गया जी इस तरह, ऐसे मैंने बैंड किया, और यहाँ पे 3 सेगमेंट रखूँगा इसके, इंटर कर देता हूँ तो ये देखें इसके अंदर 3 सेगमेंट आ चुके हैं। सो इसी तरह आप जैसे कि इस टूल को दोबारा से मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ये मैंने एक्टिव किया, इसको पहले सेलेक्ट कर लें, उसके बाद एक्टिव किया, और उसके बाद यहाँ पे इसे बैंड कर लें, और ये देखें यहाँ पे कमिट मैंने यानी इंटर कर देना यहाँ पे, ये देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरह बन जाएगा। कंट्रोल जी को प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद फिर से देखें इस बैंड टूल को अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे सेगमेंट्स यानी कितने हिस्से चाहिए इसके अंदर वो हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखा था सेगमेंट को। और मज़ीद
इसके अंदर स्मूथ एंड सॉफ्ट टर्न कितना स्मूथ और सॉफ्ट टर्न होना चाहिए वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। हटा कर देखेंगे तो कुछ इस तरह नज़र आएगा, ये देखें सेगमेंट से बने हुए हैं इसके अंदर। सो ये टोटली बता दिया मैंने इसके बारे में, इस ट्रू एंड बैंड के बारे में। अगर मज़ीद अगर आप इसे एक्सप्लोर करके दोबारा से बैंड करेंगे तो मज़ीद और बैंड हो जाएगा, वो भी करके देखते हैं किसी और शेप के अंदर। सो व्यूअर यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह हम इस शेप को क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। आप 360 डिग्री पे भी शेप को बैंड कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर मैंने इस तरह क्लिक किया और ये देखें पूरी ज्वाइन हो चुकी है। इंटर करूँगा तो ये इस तरह शेप बन जाएगी। ठीक है जी, वापस कंट्रोल जी को प्रेस कर देता हूँ और इस टूल को एक्टिव करूँगा और यहाँ पे स्मूथ और सॉफ्ट टर्न के ऊपर चेक करके देता हूँ। दोबारा से देखें, ये मैंने किया क्लिक और ड्रैग किया 360 डिग्री पे, इंटर कर दूँगा या फिर कमिट कर दूँगा तो ये इस तरह, ये देखें शेप टोटली क्या आ चुकी है, बैंड। ठीक है जी, ये अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ और वो है जी मेरे पास ये रॉड से। इस तरह हैंड टूल को मैंने अप्लाई किया और उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको और इसके ऊपर बैंड टूल को अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह हम इसे क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं इन शेप्स को। ये देखें बैंड हो चुकी हैं, वाओ। ठीक है जी, ये बैंड टूल का कमाल है, टोटली फ्री है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसे इस तरह रोटेट कर दूँ ये इस पॉइंट पे कुछ इस तरह, ये हो गया जी रोटेट इस तरह। अब इसके ऊपर अगर मैं बैंड टूल को अप्लाई करूं तो देखें क्या होता है, ये किस तरह बैंड करेगा, ये इस तरह बैंड कर देता है। इंटर करके देखें तो ये इस तरह, ये देखें शेप बैंड हो चुकी है। सो वेल, आप डिफरेंट तरीके से चेक कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। सो नेक्स्ट शेप है मेरे पास जी सीढ़ियाँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम होता है बैंड टूल की मदद से। मैंने इनको क्या कर रखा है, ग्रुप कर रखा है। इस बैंड टूल को यहाँ पे कुछ इस तरह अप्लाई कर देता हूँ तो सी कैसे ये बैंड कर देता है। बड़ी आसानी के साथ आप इसे बैंड कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन वही रहेंगे, जैसे कमिट है, कैंसिल है, सेगमेंट है और सॉफ्टन है। सो इंटर करूँगा जैसे ही तो ये इस तरह इसे क्या कर देगा, बैंड कर देगा सी। इस तरह आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त ये एक्सटेंशन है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास इस तरह से एक कोई ग्रिल है, इसको मैं देखें कैसे बैंड करता हूँ। इसको मैंने जी सेलेक्ट किया ये और उसके बाद इस बैंड टूल के ऊपर क्लिक किया और आगे की तरफ इस तरह मूव करूँगा तो ये इतना ही मैं इसे बैंड करूँगा और ये देखें इंटर करूँगा तो ये बैंड हो चुका है। और अगर मैं इसे रोटेट कर दूँ, यानी कुछ इस तरीके के साथ के सेंटर से बिल्कुल कर दूंगा इसे रोटेट, चलें यहाँ पे रख लेता हूँ और इस तरह इसे रोटेट कर देते हैं। ठीक है जी, हम जानते हैं कि ये इस तरह टेढ़ा सा बैंड हुआ है, पहले से हमने बैंड किया है। लेकिन अगर इसे इस तरह एक्सप्लोर कर दूँ, ठीक है जी, ये मैंने इसे एक्सप्लोर किया, उसके बाद वापस इसे सेलेक्ट करके दोबारा से ग्रुप कर दूँ, ये देखें मेक ग्रुप, और उसके बाद वापस इस बैंड टूल के ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये देखें ये इस तरह फिर बैंड हो जाएगा। ठीक है जी, और ये हो गया जी सी, कितनी शानदार शेप बन चुकी है बैंड करने पे। और मज़ीद ये नेक्स्ट शेप है, इस तरह भी आप इसके ऊपर, ये बड़ी सिंपल सी शेप है, इसको भी इस तरह बैंड कर सकते हैं। ये देखें ये बैंड हो चुकी है, इंटर कर देता हूँ ये। और उसके बाद और एक शेप है मेरे पास ये, आप डिफरेंट शेप्स के ऊपर इसे अप्लाई करें और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ और क्लिक करके बस यूँ ड्रैग करना 360 डिग्री पे और इंटर कर देता हूँ और ये देखें इस तरह ये एक शेप बन चुकी है। सो नाज़रीन, ये था आज का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने सीखा बैंड टूल यानी एक्सटेंशन के बारे में और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्केचअप के अंदर। ये फ्री है, डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सटेंशन को मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करते हैं, वो भी आप समझ चुके हैं। तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
सपोर्ट करें मुझे ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आता रहूं। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को डाउनलोड मत किया करें। 1000 मरतबा से ज़ायद आप डाउनलोड कर चुके हैं ये 10 दिनों के अंदर अंदर। आपके लिए यार मैं बना रहा हूँ ना ये सारे ट्यूटोरियल्स, तो प्लीज़ साथ दें मेरा भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।